Hello friends, today I am going to teach you the President, Vice President, Prime Minister and Union Council of Ministers. So let's start. तो आज हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मींस मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे और ये आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 के बीच में दिया गया है. ठीक है, यहाँ पे यू मतलब है यूनियन, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. जब स्टेट करेंगे तो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर. तो ये किन किन आर्टिकल्स में दिया गया है तो ये देखेंगे हम. ठीक है, आर्टिकल 52 में दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. आर्टिकल 63 में दिया गया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. आर्टिकल 74 में दिया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, तो अब हम देखेंगे इन आर्टिकल्स को हम कैसे याद रख सकते हैं. ये बहुत इजी है. 5, 6, 7, 2, 3, 4. तो 52 हो जाएगा फॉर प्रेसिडेंट, 63 हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट और 74 हो जाएगा फॉर पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री. तो इस तरीके से ये बहुत इजी है और आराम से ये याद हो जाएगा. ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे. प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, तो ये आर्टिकल 53 और आर्टिकल 64 और 65 वाइस प्रेसिडेंट में देखेंगे. तो 53 में दिया हुआ है कि आखिर किस तरह की पावर जो है प्रेसिडेंट में है या वो क्या कार्य करते हैं. ठीक है, तो इसमें लिखा है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट. मतलब जो भी एग्जीक्यूटिव की पावर है वो प्रेसिडेंट में समाहित रहेगी या निहित रहेगी. शैल बी एक्सरसाइज बाई हिम आइदर डायरेक्टली आर थ्रू ऑफिसर सब ऑर्डिनेट टू हिम अकॉर्डिंग विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन. तो ऑफिसर सब ऑर्डिनेट कौन है यहाँ पर, किससे जो है ये संबोधन कर रहे हैं, किसको, पीएम, पीएम को कर रहे हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कर रहे हैं. ठीक है, ये दो लोगों को ये यहाँ कर रहे हैं. अब यहाँ देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट का क्या कार्य है, क्या पावर है. तो वाइस प्रेसिडेंट 64 में लिखा हुआ है एक्स ऑफिसियो चेयरमैन है राज्यसभा के. तो एक्स ऑफिसियो क्या होता है, एक्स ऑफिसियो मींस होता है जो दो जगह नंबर हो. यहाँ देखिए वाइस प्रेसिडेंट है और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी है वो. तो ये दो पद संभाल रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये और 65 में लिखा है एक्टिंग प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट. अगर किसी कारणवश प्रेसिडेंट एब्सेंट रहते हैं, मान लीजिए रिजाइन करते हैं या उनका रिमूवल हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है या फिर कोई भी अन्य कारण हो सकता है या फिर एक्सपायरेशन ऑफ टर्म हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में एक्टिंग प्रेसिडेंट रहेंगे वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट रहेंगे और जो भी सैलरी और अलाउंसेस होंगे, सैलरी और अलाउंसेस जो भी होंगे वो ये देंगे. जो सेम प्रेसिडेंट का होता है वो सेम इनका भी रहेगा. ठीक है, और चेयरमैन जब वो एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे, मतलब वाइस प्रेसिडेंट जब एक्टिंग प्रेसिडेंट रहेंगे तो जो चेयरमैन है वो बन जाएंगे जो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन बन जाएंगे राज्यसभा के. ठीक है, सिंपल है, कुछ इसमें है नहीं. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं इलेक्टोरल कॉलेज क्या है प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का. यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज का मीन्स है कि कौन कौन लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में
जो है वोट दे सकते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन लोग वोट दे सकते हैं, ये आर्टिकल 54 में लिखा हुआ है। जिसमें लिखा है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस। बोथ हाउसेस कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के इलेक्टेड मेंबर्स, नॉट नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं रहेंगे, ठीक है। और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स, मतलब सभी स्टेट्स के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो MLA बोलते हैं उनको, MLA बोलते हैं, या विधायक भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 66 में दिए हुए हैं, ये कौन लोगों को चुनेगा, आर्टिकल 66 में दिया है। तो इसमें भी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस, लेकिन इसमें एक और चीज ऐड हो जाती है, वो है नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस भी इसमें रहते हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों रहेंगे, और इसमें MLA नहीं रहेंगे, MLA नहीं रहेंगे वाइस प्रेसिडेंट, इसमें इसमें रहेंगे, ठीक है। तो कुछ कुछ नहीं, इट्स सिंपल है। अब देखते हैं कि इलेक्शन सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इनका इलेक्शन का सिस्टम क्या है। ये आर्टिकल 55 में प्रेसिडेंट का दिया हुआ है, क्या सिस्टम है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जनता डायरेक्ट नहीं चुनती है, जो जनता के चुने हुए मेंबर्स होते हैं MPs और MLA वो इनको चुनते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है, सीक्रेट बैलेट्स होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 66 में भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है, सीक्रेट बैलेट्स होता है। तो अब हम समझते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में कुछ फॉर्मूले लगाए जाते हैं, जिसके तहत MLA और MPs की वोट की वैल्यू निकाली जाती है, जिससे कि कोई भी राज्य छोटा हो या बड़ा हो, सब में यूनिफॉर्मिटी रहे, कोई अपने आप को अलग फील मत करे। तो इसको हम देखेंगे, समझते हैं, एक ब्लैंक पेज में देखते हैं, ब्लैंक पेज कोई है, ब्लैंक पेज, ये ब्लैंक पेज है। तो यहाँ पर समझते हैं क्या है। तो सबसे पहले जो है MLA की वैल्यू निकाली जाती है हर स्टेट की, ठीक है। तो मान लीजिए किसी स्टेट की जो है हम वैल्यू निकाल लीजिए, मान लीजिए उत्तर प्रदेश की निकाल रहे हैं, तो वहां पे जो टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, जो भी पॉपुलेशन है, अपॉन मतलब डिवाइडेड बाय 1000 इनटू ऑल MLA ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट, मतलब उस विधानसभा में या उस लेजिस्लेटिव असेंबली जितने MLA हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 को, और ये जो है MLA की वैल्यू आ जाएगी। और जो भी वैल्यू आएगी इस तरह सारे स्टेट का निकालेंगे, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जितने भी स्टेट हैं सबका जो हम निकालेंगे, और जितना भी आएगा, मान लीजिए किसी का X आया, फिर किसी का X2 आया, किसी का X3 आया, इस तरह करते करते सबको प्लस कर लेंगे, और जो भी वैल्यू निकलेगी वो MLA इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं कि MP से कैसे निकालते हैं, तो MPs की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। तो MPs की वैल्यू निकालेंगे जो है टोटल MLAs, जितने MLAs हैं उनकी जो वैल्यू है अपॉन टोटल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया जाएगा, तो MPs की वैल्यू निकल आएगी। अब देखते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में क्या होता है, ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में क्या होता है,
ये समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए, इससे मान लीजिए ए बी सी डी चार कैंडिडेट खड़े हुए हैं जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो इनमें से मान लीजिए किसी एक ने, मान लीजिए किसी, मान लीजिए तीन लोग हैं, तो तीन लोगों में कैसे ये वोटिंग सिस्टम होता है। तो मान लीजिए पहला की प्रेफरेंस फर्स्ट रही, तो इसे प्रेफरेंस देते हैं, बी को सेकंड प्रेफरेंस दी इसने, सी ने थर्ड, सी को थर्ड दी और डी को जो है फोर्थ दी, और सेकंड ने डी को वन दिया और सी को टू दिया, बी को थ्री दिया और ए को दिया फोर। ठीक है, थ्री में इसको दिया थ्री, इसको दिया फोर, इसको दिया वन, इसको दिया टू। तो इस तरीके से वोटिंग सिस्टम आपको ज्यादा प्रेफरेंस करनी होती है, किसी एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए सबकी एक प्रेफरेंस दी जाती है इस इलेक्शन में। और इसके बाद मान लीजिए, ए को प्रेफरेंस मिली 5 टाइम्स, बी को प्रेफरेंस मिली है 2 टाइम्स, सी को 2 टाइम्स, डी को 1 टाइम्स। तो इसमें ए को ज्यादा वोट्स मिले हैं, बट अभी ये फाइनल नहीं माना जाएगा। इसमें एक कोटा सिस्टम होता है, जब तक आप उतना कोटा नहीं पा लेते तब तक आपको विनर नहीं घोषित किया जाता। कोटा का क्या सिस्टम होता है, तो इसमें होगा 1+ जितने भी कैंडिडेट होंगे, जितने भी कैंडिडेट या फिर वोटर्स होंगे, सॉरी वोटर्स जितने होंगे, जितने वोटर्स होंगे प्लस 1, और इधर जितनी पोस्ट होंगी पोस्ट प्लस 1। तो यहां पर देखिए ए बी सी डी, मतलब इनको मिला 5, इनको मिला है 2, इनको मिला 2, इनको मिला 1। तो यहां पर 10 वोट्स हैं, तो 10 वोट्स प्लस 1 और नीचे एक ही पोस्ट थी तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 1+ और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पर 6 वोटर चाहिए, तो अभी 6 जो है फुलफिल नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, डी को इलिमिनेट कर देंगे। हम क्या करेंगे, डी को इलिमिनेट, तो इसका जो 1 वोट है ये देखा जाएगा सिर्फ सेकंड प्रेफरेंस इसको मिली है, इसमें सेकंड प्रेफरेंस इसको मिली है। तो अगर मान लीजिए सेकंड प्रेफरेंस बी को मिली थी, तो ये वोट 1, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 1। ठीक है, तो इनके टोटल हो जाएंगे 3 वोट्स। ओके, और ये इलिमिनेट हो जाएगा डी, तो डी इलिमिनेट हो गया और बी को हो गए, बी को मिल गए 3 वोट्स। तो अभी भी 6 का कोटा फुलफिल नहीं हुआ है, तो हम सी को भी एलिमिनेट करेंगे। तो इसके 2 वोट हैं, मान लीजिए इसके 1 वोट की फर्स्ट प्रेफरेंस मिली है ए को और 1 मिली है बी को, तो यहाँ पर बी हो जाएगा 4 और ए हो जाएगा 6 और कोटा पूरा हो गया और ए इज द विनर। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है, वैसे किसी पेपर में नहीं आता है बट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि ये सब बुक्स में रहता है लेकिन समझना थोड़ा टफ रहता है। तो ये हो गया, अब आगे देखेंगे और कौन कौन से प्रोविजन्स हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया आर्टिकल 55 और आर्टिकल 66 इलेक्शन सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट। अब टर्म ऑफ ऑफिस देख लेते हैं, क्या है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का। तो ये आर्टिकल 56 में दिया है प्रेसिडेंट का,
ऑफिस ये 5 ईयर्स के लिए रहेगा, रिजाइन करेंगे वाइस प्रेसिडेंट को राइटिंग अंडर हिज हैंड, ठीक है। इम्पीचमेंट, तो इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी आ सकता है, ठीक है। और ये 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप, मतलब जितनी टोटल मेंबरशिप है उसका 2/3 इम्पीच किया जाएगा, मतलब कि इम्पीचमेंट प्रोसेस टफ है। और वन हाउस में चार्ज लगाया जाएगा और सेकेंड हाउस में इन्वेस्टिगेशन होगी। मान लीजिए चार्ज लगाया गया राज्यसभा में तो लोकसभा में इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर चार्ज लगाया गया लोकसभा में तो इन्वेस्टिगेशन जो है राज्यसभा में होगी। तो इस तरीके से इसमें आर्टिकल 61 में दिया हुआ है कि कैसे क्या प्रोसीजर रहेगा। और लेकिन ये सारा जो है रेजोल्यूशन लाने से 14 दिन पहले जो प्रेसिडेंट को एक नोटिस देनी पड़ेगी। यहाँ पर यह है इम्पीचमेंट का प्रोसेस, ठीक है। कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, ठीक है। तो इलेक्शन हुए हो या ना हो उससे कोई भी मतलब नहीं है। अगर आपका सक्सेसर जब तक नहीं आ जाता तब तक आप, मतलब अगर प्रेसिडेंट का जो सक्सेसर होगा तब तक वो उस पद पे विद्यमान रहेंगे, और जैसे ही वो आ जाता है तो वो उस पद से हट सकते हैं, ठीक है। और री इलेक्शन पॉसिबल है, आर्टिकल 57 में लिखा हुआ है, तो री इलेक्शन आपका पॉसिबल है। मतलब अमेरिका में मतलब टिल 2 टाइम्स ही प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी गई। तो आप कई बार जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 67 में दिया 5 ईयर्स का। रिजाइन किसको करते हैं? प्रेसिडेंट को करते हैं राइटिंग बाय हिज हैंड। रिमूव्ड, यहाँ देखिए रिमूव्ड वर्ड यूज हुआ है और यहाँ पर इम्पीचमेंट वर्ड यूज हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जानबूझकर ये वर्ड यूज हुआ है क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में हर जगह इम्पीचमेंट यूज होता है, लेकिन यहाँ पर केवल प्रेसिडेंट के लिए, बाकी लोगों के लिए रिमूव वर्ड यूज किया गया है। तो ये छोटी बात है पर ये डिफरेंस करती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में, ठीक है। रेजोल्यूशन राज्यसभा में आएगा, तो ये केवल राज्यसभा में ही रेजोल्यूशन इसका आता है। वाइस प्रेसिडेंट का एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी में क्या होता है? 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। तो ये होता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तो अगर राज्यसभा में ये बिल, ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो फिर लोकसभा में इसे पास किया जाएगा, वहां पर पास हो जाता है तो उसको जब वाइस प्रेसिडेंट रिमूव हो जाएंगे, और अगर नहीं पास होता तो नहीं रिमूव होंगे। और 14 डेज पहले जो है उनको एक नोटिस भेजनी पड़ती है वाइस प्रेसिडेंट को, इसको रेजोल्यूशन को लाने से पहले, ठीक है। कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस तब तक जो है विद्यमान रह सकते हैं जब तक उनका सक्सेसर मतलब दूसरा प्रेसिडेंट ना आ जाए, तब तक वो विद्यमान रह सकते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है इस आर्टिकल में। अब देखते हैं क्वालिफिकेशंस और नॉमिनेशंस क्या है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है। तो पहले क्वालिफिकेशंस देखते हैं। क्वालिफिकेशन है आर्टिकल 58 में प्रेसिडेंट के लिए 35 ईयर्स होना चाहिए। लोकसभा के मेंबर, एल का मतलब यहाँ पर लोकसभा के जो है मतलब कि लोकसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, मतलब लोकसभा का जो मेंबर जो क्वालिफिकेशन रखता है सेम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। और सिटीजन होना चाहिए, ये सी से सिटीजन है और ओ से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। ये मैंने LOC इसलिए लिखा क्योंकि आपको इजीली याद हो जाएगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है कि आप अगर आप प्रेसिडेंट हो तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर भी हैं, या फिर आप किसी कंपनी के भी मालिक हैं या कुछ कंपनी में काम कर रहे हैं, तो मतलब आप डबल डबल सैलरी ले रहे हैं, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का देख लेते हैं। आर्टिकल 66 में दिया है ये 35 ईयर्स होना चाहिए। राज्यसभा का जो सदस्य की जो क्वालिफिकेशंस होती हैं
वो फुलफिल करना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए और सिटीजनशिप मतलब इंडियन सिटीजन होना चाहिए। तो ये कंडीशन है वाइस प्रेसिडेंट की। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का तो बता दिया, और ये यहाँ पे इसका आर्टिकल, जो आर्टिकल है इसका वो है 59 ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये तो 66 में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 59 आर्टिकल भी हो गया, मैंने अलग से 59 नहीं लिखा है, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ बता दिया है। तो इसमें नॉमिनेशन में क्या होगा, तो 50 प्रपोजर होंगे, 50 सेकेंडर्स होंगे। प्रपोजर मतलब अगर वो कोई प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट भेज रहे हैं तो वो प्रपोज करेंगे उस कैंडिडेट का नाम, और सेकेंडर्स उन प्रपोजर को जो सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट के लिए 50 मेंबर्स और चाहिए। तो 15,000 आरबीआई में सबमिट होते हैं, और अगर जो है कैंडिडेट नहीं सिक्योर कर पाता है 1/6 वोट्स ऑफ वोट्स पोल्ड, मतलब अगर 1/6 वोट नहीं पड़ते हैं तो फोरफिटेड मतलब जमानत जब्त हो जाएगी, मतलब ये 15,000 उसके आरबीआई वापस नहीं करेगी। अगर 1/6 से ऊपर आए तो आरबीआई इसको वापस कर देगी। सेम यहाँ पे है, बस यहाँ पे 20 प्रपोजर हैं और 20 सेकेंडर्स हैं, और सेम 15,000 आरबीआई में जमा करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज सेम है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं आगे। पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, तो आर्टिकल 60 में प्रेसिडेंट लिखी हुई है, आर्टिकल 60 में प्रेसिडेंट की लिखी हुई है, और आर्टिकल 69 में वो जो है वाइस प्रेसिडेंट की लिखी हुई है। ये किसको देंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको दिलाएंगे, अगर वो ऑब्सेंट हैं तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट उनको दिलवाएगा। यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो दिलवाएंगे, अगर वो नहीं है तो वो अपने बिहाफ पे किसी पर्सन को अपॉइंट कर देंगे, ठीक है। ये 69 में है, ये दो पोस्ट हैं जिनकी क्लियरली पोस्ट लिखी गई है, बाकी लोगों के जो भी होते हैं वो थर्ड शेड्यूल से गवर्न होती है, ओके। तो वो थर्ड शेड्यूल से गवर्न होगी बाकी लोगों की। और प्रेसिडेंट के जो ओथ है, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रोटेक्ट प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ही एक कंडीशन इनपे लगाई गई है, ठीक है। क्योंकि ये रिमूव भी होते हैं अगर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वही एक जो है उनके के में वही एक रीजन दिया गया है जिसके तहत वो जो है इम्पीच होंगे, सॉरी रिमूव नहीं इम्पीच होंगे, ठीक है। और इसमें क्या लिखा, आई विल बियर ट्रू फेथ एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये डिफरेंस दोनों में होता है। टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी, तो जब वैकेंट हो जाएगी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट की सीट तो किस तरह फिल करेंगे, तो वो बताया गया है। तो अगर मान लीजिए अगर वैकेंसी हो रही है एक्सपायरेशन ऑफ टर्म, तो ऐसे में प्रेसिडेंट का इलेक्शन बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म, तो उनके टर्म के खत्म होने से पहले ही इलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। और अगर वैकेंसी डेथ रिमूवल या रेजिग्नेशन की वजह से हो रही है, तो इलेक्शन एज सुन एज आफ्टर नो केस ग्रेटर देन 6 मंथ्स, तो मतलब विद इन 6 मंथ्स इलेक्शन हो जाना चाहिए अगर ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। और सेम यहाँ भी है, सेम यहाँ पे भी है। यहाँ पे अगर वैकेंसी कॉज हो रही है टर्म ऑफ ऑफिस मतलब एक्सपायरेशन ऑफ टर्म ऑफ ऑफिस, तो ऐसे में जो है उनके एक्सपायरेशन मतलब जो टर्म एक्सपायर हो रहा है उससे पहले, उनके कार्यकाल से पहले हो जाना चाहिए। और अगर डेथ या रिमूवल तो उन रेजिग्नेशन तो उनके कार्यकाल के 6 मंथ्स के अंदर हो जाना चाहिए इलेक्शन, ठीक है। इसमें ये प्रोवाइड किया गया है जो कि आर्टिकल 68 और 62 में, प्रेसिडेंट 62 इसमें 68, ठीक है, इसमें दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। डिस्प्यूट्स इन कनेक्शन विद इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट वाइज, अगर इस अगर डिस्प्यूट है तो ये सुप्रीम कोर्ट डील करेगा और उनका डिसीजन इस मैटर में फाइनल होगा। और ये जो है 30 दिन, जब रिजल्ट आ जाए तो उसके 30 दिन के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट में
चैलेंज करना है। ठीक है, इसमें केस था पी ए संगमा वर्सेस प्रणव मुखर्जी 2012। तो इस केस में लीडिंग लीडिंग प्रोफाइल के एडवोकेट्स थे, पी ए संगमा का केस लड़ रहे थे द लीजेंट राम जेठमलानी, और अनदर लीजेंट जो है हरीश सालवे जी, वो प्रणव मुखर्जी का केस लड़ रहे थे। इसमें क्या हुआ कि पी ए संगमा ने कहा, प्रणव मुखर्जी में कोलकाता में कोई इंस्टीट्यूशन था, वो उसके चेयरमैन थे, तो पी ए संगमा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर आएगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑब्जर्व किया और देखा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, उसमें कोई सैलरी या कुछ भी नहीं मिल रहा था उनको, कोई प्रॉफिट, वो केवल चेयरमैन थे उसके फॉर द नेम सेक, तो इसलिए प्रणव मुखर्जी को के इलेक्शन को वैलिड हेल्ड किया गया। ठीक है, इसमें ये केस था इम्पोर्टेंट, तो मैंने बता दिया। पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो इसमें देख लेते हैं, और जब गवर्नर करेंगे तो एक बार फिर प्रेसिडेंट और गवर्नर से और जो है एक बार कंपेरिजन करते हुए करेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों की पार्डनिंग पावर में। अभी प्रेसिडेंट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ही समझते हैं। तो पार्डन में क्या होगा, कंप्लीट एब्सॉल्व द सेंटेंस ऑफ पनिशमेंट, तो पूरी तरीके से सेंटेंस या पनिशमेंट को माफ कर दिया जाएगा, तो ये पार्डन हो गया। ठीक है, कम्यूटेशन में क्या हो रहा है, म्यूटेट्स, कम्यूटेशन में ही म्यूटेशन वर्ड आ रहा है, तो इसमें चेंज फॉर्म हो जाती है, सबसेट स्ट्रिक्ट पनिशमेंट टू लाइटर वन। तो क्या करते हैं, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 ईयर्स टू सिंपल इम्प्रिजनमेंट। इसमें क्या हो रहा है, रिग्रेस था मतलब कठोर सजा थी, उसको सिंपल कारावास में कर दिया गया, मतलब कठोर कारावास था ये सिंपल कर दिया गया, लेकिन जो है जो पीरियड है वो 2 ईयर है बोथ में, तो मतलब कि पीरियड नहीं कम किया गया लेकिन पनिशमेंट चेंज हो गई। इसमें ये होता है कम्यूटेशन पे। रिविजन में क्या होता है, रिविजन में पनिशमेंट सेम होती है, तो रिग्रेस यहाँ भी है, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट फॉर 2 ईयर्स, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट फॉर 1 ईयर, इन दोनों में ही रिग्रेस इम्प्रिजमेंट है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें पीरियड बदल रहा है, पीरियड ऑफ सेंटेंस इज चेंज, इसमें पीरियड बदल रहा है, पीरियड क्या बदल रहा है, 2 ईयर्स से 1 ईयर हो रहा है, ये जो है इसमें पीरियड चेंज नहीं है, बस इसमें और कुछ नहीं है। और अब देखते हैं रिस्पाइट, रिस्पाइट में क्या होता है, ये स्पेशल केसेस में होता है, उसमें लाइट पनिशमेंट दी जाती है, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है या कोई डिसेबल्ड पर्सन है, तो ऐसे में लाइट पनिशमेंट दी जाती है, तो इसको रिस्पाइट को याद करने का बहुत सिंपल सा फंडा है, इसमें एसपी, एसपी मतलब स्पेशल केसेस में ये रिस्पाइट लगेगा। रिप्राइव क्या हो रहा है, रिप्राइव में एग्जीक्यूशन स्टे हो जाता है अंटिल द फर्दर ऑर्डर, तो एग्जीक्यूशन स्टे हो जाता है, तो इसमें ये हो गया। चलिए देखते हैं आगे, रिलेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर विद यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्या रिलेशन है, इसमें दिया हुआ है, आप आर्टिकल 53 की लैंग्वेज और 74 की लैंग्वेज पढ़िए, दोनों सेम थिंग बोल रही है, तो इसमें क्या बोल रहा है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज बाई हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम अकॉर्डिंग विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ऑफिसर यहाँ कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो है ऑफिसर्स, और प्राइम मिनिस्टर को भी बोल रहा है कि उनके ऑफिसर्स हैं, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यहाँ काउंसिल मिनिस्टर की बात कर रहा है, विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, मतलब कि प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए, हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट अकॉर्डिंग विद सच एडवाइस, तो एक्ट अकॉर्डिंग विद सच एडवाइस ये बाइंडिंग कर दिया 42nd अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी ने, तो ये बाइंडिंग हो गया। पहले क्या था कि मतलब उसमें क्लियरली मतलब एक्सप्रेसली मेंशन नहीं था कि ये जो एड एंड एडवाइस है पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वो बाइंडिंग है, ये बाइंडिंग हो गई। तो जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो उन्होंने 44th अमेंडमेंट लाया, और उन्होंने ज्यादा चेंज नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट अगर एक्ट
एड एंड एडवाइस से सहमत ना हो तो वो एक बार उसको भेज सकते हैं रिकंसीडर करने के लिए सच एडवाइस। लेकिन अगर उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसको मना करते हैं तो और उसको वापस भेजते हैं तो फिर प्रेसिडेंट को वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यही 44th अमेंडमेंट में हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें केस हुआ UNR राव वर्सेस इंदिरा गांधी 1971। इसमें लिखा है आर्टिकल 74 इज मैंडेटरी, देयरफॉर द प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज द एग्जीक्यूटिव पावर विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैंडेटरी आर्टिकल 74 और प्रेसिडेंट विदाउट जो है एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो है कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। इवन एट द टाइम व्हेन हाउस ऑफ पीपल हैज बीन डिसॉल्व, अगर लोकसभा डिसॉल्व भी हो जाती है तो भी जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी उससे पूछ के ही जो है प्रेसिडेंट डिसीजन लेंगे, इसमें कहा गया है। ठीक है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये आर्टिकल 75 में दिया गया है। द पीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, पीएम जो है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होंगे और मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, वो भी प्रेसिडेंट से अपॉइंट होंगे लेकिन एडवाइस प्राइम मिनिस्टर की होगी। तो आप समझ सकते हैं प्राइम मिनिस्टर अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर मून अमंग द स्टार्स हैं। ठीक है, 91st कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 15% ऑफ टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा होगी, मतलब 15% से ज्यादा नहीं होगी लोकसभा के। और ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्क करती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के। ओथ्स एंड ओथ्स ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी थर्ड शेड्यूल, तो मैंने बताया था ओथ्स जो है सारे लोगों की, प्राइम मिनिस्टर हो या यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, सबकी जो है थर्ड शेड्यूल से मैनेज होती है। मिनिस्टर हु इज नॉट मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ विद इन द 6 months सीज टू बी अ मिनिस्टर, अगर कोई मंत्री ऐसा है जो किसी भी मेंबर, मतलब कि किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है ना लोकसभा ना राज्यसभा का, तो उसको 6 महीने के अंदर दोबारा किसी हाउस का मेंबर बनना होता है, अगर वो नहीं बनेगा तो वो मिनिस्टर पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में है। इसमें एक केस आया एसपी आनंद वर्सेस एसजी देवगौड़ा 1997, जिसमें एसजी देवगौड़ा न राज्यसभा के मेंबर थे न लोकसभा के। तो देखते हैं, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा और कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 75 क्लियरली परमिट्स अ नॉन मेंबर टू बी अपॉइंटेड एज अ पीएम फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ 6 months, मतलब अगर कोई राज्यसभा लोकसभा का मेंबर नहीं है वो भी प्रोविजन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है लेकिन 6 महीने के अंदर, अगर उस 6 महीने के अंदर वो दोबारा अपॉइंट नहीं हुआ तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये इसमें हो गया। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हम करेंगे उसमें करेंगे, अभी के लिए आप ये समझ लीजिए आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक तरीके से सरकार का एडवोकेट होता है जो उनका सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी हाई कोर्ट में जहां भी उनका केस लगता है उनका सरकार का पक्ष रखता है, खासकर यूनियन गवर्नमेंट का। ओके, अब आर्टिकल 77 और आर्टिकल 78 समझ लेते हैं। तो इसमें क्या है, 77 में कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया गया है। तो जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होंगे वो प्रेसिडेंट के नाम पे होंगे, इसमें ये लिखा गया है, और प्रेसिडेंट कोई भी रूल बना सकता है जिससे कि मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन हो, जो भी बिजनेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है या जो भी बिजनेस, मतलब जो भी कार्य हो रहा है बिजनेस, मतलब यहाँ पे जो भी कार्य हो रहा है उसको जो है उसके लिए कुछ रूल बना सकते हैं प्रेसिडेंट। आर्टिकल 78 में ड्यूटीज ऑफ पीएम है, इसमें प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को क्या क्या करना चाहिए इसमें लिखा हुआ है, कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसीजन लेगी प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर बताते रहेंगे।
furnish such information as president may call for. जो भी president जिसके लिए डिमांड करेंगे जिस इंफॉर्मेशन के लिए वो उन्हें बतानी पड़ेगी. इफ द प्रेसिडेंट रिक्वायर्स सबमिट फॉर कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर. अगर वो कहेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हमें कंसिडरेशन जो है चाहिए तो प्राइम मिनिस्टर को सबमिट करना पड़ेगा. यही 78 में है. ठीक है, यही 78 के अंदर है. अब देख लेते हैं लास्ट स्लाइड है, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट क्या क्या है. तो एग्जीक्यूटिव पावर क्या है प्रेसिडेंट, तो एग्जीक्यूटिव पावर में जितने भी कार्य हैं उनके नाम पे होंगे. अपॉइंट करते हैं पीएम, मिनिस्टर, सीजीआई, जजेस, गवर्नर्स, यूपीएससी के जो भी चेयरमैन और जो है उनके मेंबर्स हैं, फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर हैं और इलेक्शन कमीशन के मेंबर चेयरमैन, तो सबके चेयरमैन मेंबर करेंगे. और सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस है. सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस कौन है, वो प्रेसिडेंट है. ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर क्या है, कैन समन प्रोरोग द पार्लियामेंट डिसॉल्व द एलएस. तो वो पार्लियामेंट को कभी भी बुला सकते हैं या फिर उसको भंग कर सकते हैं. डिसॉल्व मतलब भंग कर सकते हैं, रो मतलब स्थगित कर सकते हैं, मतलब ये जो है मतलब कुछ समय के लिए रहती है और फिर वो दोबारा से चालू हो जाती है. ठीक है, समन ज्वाइंट सेटिंग बुला सकते हैं बोथ हाउसेस की. कैन एड्रेस द पार्लियामेंट एट कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर. तो ये आर्टिकल 85 में दिया हुआ है. तो वो जो है कमेंसमेंट ऑफ मतलब कि पहला जो सेशन होगा हर साल का, या फिर जो है जब भी जनरल इलेक्शन होगा लोकसभा वाला तो उसके बाद जो फर्स्ट सेशन होगा उसको भी वो संबोधित करते हैं. ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए उनकी सहमति चाहिए होती है. बिल पास सेंड टू द प्रेसिडेंट गिव असेंट विथहोल्ड रिटर्न द बिल. तो अगर कोई बिल पास हुआ है दोनों सदनों में तो प्रेसिडेंट के पास जाता है. अब प्रेसिडेंट उसमें से कुछ भी कर सकते हैं, वो अपनी सहमति दे सकते हैं या सहमति रोक सकते हैं या बिल को रिटर्न कर सकते हैं. ऑर्डिनेंस 123 और 213 में डील करता है और मेंबर्स को नॉमिनेट भी करते हैं. 12 मेंबर नॉमिनेट करते हैं इसमें राज्यसभा में, और लोकसभा में दो करते थे लेकिन अभी वो चीज अमेंडमेंट के थ्रू हटा ली गई है. ठीक है, फाइनेंशियल पावर क्या है, प्रायर रिकमेंडेशन बाय प्रेसिडेंट इन मनी बिल्स, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंटिंजेंसी फंड. कंटिंजेंसी फंड भी प्रेसिडेंट के पास ही रहता है. ठीक है, एमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल. तो ये हम पढ़ेंगे ये तीनों तरह की इमरजेंसी आने वाले समय में. अभी के लिए इतना समझते हैं कि नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है जब किसी प्रकार का खतरा होता है तो उसके बारे में है. जुडिशियल पावर आर्टिकल 72 में दी गई है, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट जो हमने डिस्कस कर लिया है. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, और प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर.